मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अपने देश की हालत बड़ी खराब है, मैंने कहा गरीबी, भुखमरी, बेकारी। एक और बुरा हाल है अपने देश का, वो भी सुना दूं आपको। अपने देश पे कर्जा बहुत हो गया है, बहुत कर्जा हो गया है। कारण क्या है? नेता इतने हरामी हैं, सब पैसा लूट लेते हैं, विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं, देश चलाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो देश का काम होता है ना, वो सब कर्जे से होता है। कर्जा बहुत हो गया। जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो एक पैसे का कर्ज नहीं था हमारे ऊपर, अब 34 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। एक एक हिंदुस्तानी पर लगभग 33,000 रुपए का कर्जा है, एक एक हिंदुस्तानी पर। इस कर्जे से देश को मुक्त कराना है, नहीं तो देश डूब जाने वाला है इसमें। यह कर्जा हमने लिया है विदेशों से बहुत सारा, अब इसमें ब्याज देना पड़ता है। ब्याज के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, वो आपसे टैक्स के रूप में सरकार लेती है और देती है। अब इसकी समस्या क्या है ना, जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जाता है, हमारे देश का जो रुपया है ना, इसका दाम गिरता जाता है। ये समस्या है। पहले हमारा जो एक रुपया था ना, वो अमेरिका के एक डॉलर के बराबर था 1947 में। एक रुपया भारत का और अमेरिका का एक डॉलर, दोनों बराबर थे, क्योंकि हमने कर्ज नहीं लिया था। अब कर्ज इतना हो गया है कि 50 रुपया अमेरिका के एक डॉलर के बराबर है। आप बोलेंगे ये रुपए की कीमत क्यों गिरती है कर्ज गिर लेने से? जो कर्ज देने वाला देश है अमेरिका और यूरोप, ये हमारे ऊपर शर्त लगाते हैं। जब हम उनसे कर्जा मांगते हैं कि कर्जा दे दो, तो कहते हैं तुम्हारे रुपए की कीमत कम करो तब देंगे। उनका क्या स्वार्थ है? उनका स्वार्थ ये है कि वो कर्जे में हमको एक डॉलर देते हैं, तो एक रुपया एक डॉलर के बराबर है। जब कीमत गिर जाती है तो 50 रुपया हो जाता है, तो बदले में हमें उनको 50 रुपया देना पड़ता है, इसलिए उनको रकम ज्यादा मिलती है, इसलिए उनका स्वार्थ है। तो वो रुपए की कीमत गिराते हैं, तो कीमत बहुत गिर गई है, 50 रुपया डॉलर हो गई है। अब इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। नुकसान क्या हो रहा है? हम अमरीका को कोई माल बेचें तो सस्ता बिकता है, हम अमरीका से कोई माल खरीदें महंगा पड़ता है। उनको तो एक डॉलर का माल है जो भारत को बेचते हैं, हमारे लिए वो 50 रुपए का बैठता है। तो हम सस्ता बेचते हैं महंगा खरीदते हैं, इसमें व्यापार घाटा होता है, घाटे की पूर्ति के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, इस चक्कर में हम फंस गए।